बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। आप देख रहे हैं दिल्ली हिंसा के गुनहगारों की बात हम कर रहे हैं। दिल्ली के हिंसा के पीछे दो नाम सामने आ रहे हैं, वो नाम आपकी टीवी स्क्रीन पर, दीप सिद्धू और लखा सिदाना पर हिंसा भड़काने का आरोप है। खबर है कि दोनों गुनहगारों की तलाश तेजी के साथ की जा रही है, दोनों की गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर दिल्ली हिंसा से जुड़ी हुई, दीप सिद्धू लखा ये दो नाम, इनका हिंसा के पीछे हाथ है। लोगों को भड़काया, अपने रास्ते पर ट्रैक्टर चल रहे थे, किसान जा रहे थे, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये दो नाम दीप सिद्धू लखा सिंह ये गुंडे, ये दो नाम सामने निकल कर आए हैं। कब होगी इनकी गिरफ्तारी, ये है सबसे बड़ा सवाल। और इसी खबर पर सीधे रुक कर लेते हैं, विमल कौशिक जुड़ गए हैं। विमल, लखा और सिद्धू, मैं इनको अब गुंडे ही कहूंगी, क्योंकि इन्होंने जो काम किया है वो ऐसा काम है जिसको माफ नहीं किया जा सकता। बड़ा सवाल, कब होगी गिरफ्तारी इनकी? जी बिल्कुल, देखिए आपने बिल्कुल सही कहा कि जो काम इन्होंने किया काला अध्याय इन्होंने दर्ज करा दिया। और सबसे बड़ी बात, पुलिस ने अब तक 22 एफआईआर कर ली, और पुलिस की तरफ से पहले ही आला अधिकारी ने बात कह दी थी कि जो भी कानून तोड़ेगा उससे सख्ती से निपटा जाएगा। केवल ये दो नाम ही नहीं, अभी पुलिस की एक लिस्ट कई और नाम है, खासकर जो मजदूर संघ है, क्योंकि उनको उन्होंने पहले ही पुलिस के नियमों को मानने से साफ इंकार कर दिया था। पहले से ही वो लगातार जो पुलिस ने रूट बनाया था उससे साफ इंकार उन्होंने कर दिया कि हम उस रूट पर नहीं जाएंगे। तो पुलिस उनकी भी भूमिका की जांच कर रही है, और साफ तौर पर संकेत है पुलिस कि कोई भी जो भी इस पूरे मामले में दोषी होंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा। क्योंकि पहले से ही आशंका पहले से ही बता दिया था कि जो असामाजिक तत्व है और कुछ आतंकी संगठन आंदोलन के आड़ में देश में गड़बड़ी फैलाने की फिराक में है, और 308 ट्विटर अकाउंट बाकायदा पाकिस्तान से बनाए गए, ऐसे बहुत सारी जानकारियां हैं जो पुलिस के हाथ लगी, इंटेलिजेंस के हाथ लगी, और उसी आधार पर पुलिस जांच कर रही है। तब तक 22 एफआईआर है, लेकिन ये सिलसिला अभी आगे और बढ़ेगा। लगातार पुलिस आकलन कर रही है, और जहां पर जो भी नुकसान हुआ है उसके आकलन के बाद नई एफआईआर दर्ज की जा रही है। और अब तक 22 है, और अभी भी जानकारी मिल रही है कि अभी और ज्यादा ये आंकड़ा बढ़ेगा एफआईआर। विमल, लाल किले की मर्यादा टूटी है, कल अस्मिता को तार तार किया गया है, ये काला दिन था कल का, इतिहास के पन्नों में दर्ज हुआ है, और ये दो नाम गिरफ्तारी कब, मैं लौटूंगी आपके पास।